नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में दो पक्ष में हुए विवाद में चली गोली, एक व्यक्ति को लगी गोली। मामूली विवाद में हुई फायरिंग, पुलिस ने मौके से तीन लोगों को पकड़ा, घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। आगरा थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के नगला रामबल सुमित नगर की है घटना। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, ये नगला रामबल में अनिल का परिवार यहाँ रहता है। अनिल बेसिकली पंजाब में नौकरी करते हैं, तो इनके घर पे पत्थरबाजी की घटना होती थी जिसमें उन्हें शक था कि ये जो पुष्पिंदर है ये लोग पत्थर फेंकते हैं। कल इन्होंने पुष्पिंदर के किस लड़के को देख लिया होगा पत्थर फेंकते हुए, उसकी शिकायत आज उसके घर पे करने आए थे। इसी बात पे विवाद हुआ है और पुष्पिंदर लोगों ने फायरिंग कर दी गई है, जिसमें अनिल वो उनका साला संतोष घायल हुए हैं, गोली की चोट है, जिनको कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, इसमें अभी तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकी जैसा FIR आएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया वही पत्थर फेंकने का विवाद है और घटना में जो प्रयुक्त असला है वो भी बरामद कर लिया गया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।